हेलो, मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। और आज मेरा आप लोगों के सामने आने का मकसद कुछ और है, और साथ ही साथ एक अलग प्रोजेक्ट है, अलग टॉपिक है, और अलग एक अनोखा और सुनहरा मौका आप लोगों के सामने फिर से एक बार लेकर मैं हाजिर हूँ। हर बार की तरह आप लोगों के सामने ये दूसरा प्रोजेक्ट है, यूएसटी का नहीं है, बट हिस्सा तो यूएसटी का ही है। ये यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का एक और प्रोजेक्ट है जिसको यूटेरा कहा जाता है। ये फर्टिलाइजर का प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कुछ इन डिटेल में, और साथ ही साथ इसकी अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ आप लोगों की जो भविष्य में आपके आने वाली पीढ़ी के लिए कितना फायदेमंद है उसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करते हैं। मैं सैयद मोइनुद्दीन, आप लोगों का यार दोस्त और दिल वालों की दिल्ली से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इनकी तरफ से आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ साइबर कम्युनिटी के जरिए से। और मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ, और मैं टॉप फिफ्थ स्पीकर की हैसियत, तो जैसे कि मैं अपना तरफ आप लोगों को करवा फिफ्थ स्पीकर और एक लीडर की हैसियत से साइबर कम्युनिटी में काम करता हूँ, और अपने प्यारा सा मुल्क भारत, इंडिया और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आज का जो हमारा इवेंट का जो पर्पस है वो है आप लोगों के सामने वो अपॉर्चुनिटीज लेकर आने का जिसे हम हाल फिलहाल में मदद करते हैं। प्रेजेंटेशन का एक ओवरव्यू है जिसमें इंट्रोडक्शन होगा यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये इसको यूटेरा कहा जाता है, एक फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट है ये। एक्चुअली यूटेरा इसको इसीलिए कहा जाता है, यू जो है अनेटोली यूनिट्स की जी का जो पहले नाम का जो पहला अक्षर है उसको यू रखा गया है, और टेरा रशियन लैंग्वेज में भूगोल यानी जमीन को टेरा कहा जाता है, इसीलिए इस प्रोजेक्ट और इस प्रोडक्ट को यू टेरा नाम दिया गया। यू टेरा ऐसा उत्पाद पेश करता है जो भूमि की कमी की समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2021 के लिए फर्टिलाइजर मार्केट का जो आकार है वो 200 बिलियन डॉलर का है। फर्टिलाइजर की वैश्विक मांग खाड़ी क्षेत्र में, खाड़ी यानी बंजर जमीन जैसे कि आप गल्फ कंट्रीज वगैरह मिसाल के तौर पर ले सकते हैं, वृद्धि को प्रेरित करता है। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मैप के जरिए से आप लोगों के सामने एक आंकड़ा रखने की कोशिश करी है। साउथ अफ्रीका में इसका 7% इसकी मांग है, नॉर्थ अमेरिका में इसकी 15% मांग है, साउथ अमेरिका में इसकी 21% मांग है, और एशिया में इसकी 55% तक की मांग है, मतलब ये फर्टिलाइजर की ये कितनी ज्यादा डिमांड है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। पूर्वानुमानों के अनुसार ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी प्लांट्स, पशु और खनिज आधारित की मांग मात्रा में वृद्धि होगी, मतलब इसकी डिमांड बढ़ेगी। दुनिया ऐसे उत्पादों की ओर बढ़ रही है जो अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक और सभी आवश्यक माइक्रो ऑर्गेनिक इसकी मांग ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है फर्टिलाइजर की, और एक ऑर्गेनिक लेवल पे चीजों की जो डिमांड है उसी की ओर बढ़ रही है। तो हम लोगों ने भी अपना कदम उस मार्केट में जमा चुके हैं। कैसे काम करता है वो चीज क्या होती है, ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट है जो विशेष प्रकार के केंचुआ द्वारा ये सावधानी पूर्वक चयनित जैविक और कचरे को प्रोसेस करके प्राप्त किया जाता है। ये थोड़ी सी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी से कुछ चीजें, तो थोड़ी सी जबान जल्दी पलट नहीं पा रही है, बट उम्मीद करता हूँ कि आप ये प्रेजेंटेशन को एक से दो बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन में और भी आगे बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी आएंगे। इसमें प्लांट्स की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज और एंजाइम विटामिन साथ ही माइक्रो क्लाइमेटस की एक पूरी श्रृंखला शामिल है। इसको बायोहिमस को बनाने के लिए ये सारी चीजें इसमें, ये रॉ मटेरियल्स को इसमें डाला गया है, और साथ ही साथ एक ऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट के साथ साथ एक स्पेशल प्रकार के केंचुओं की इसमें पालकर उसे इस मिट्टी में मिलाया गया है, मतलब टेस्ट किया गया है उसे। यूटेरा बायोहिमस में क्या क्या चीजें मिलाई गई हैं, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली फसल की गारंटी देता है बायोहिमस, मतलब ये बता रहा हूं।
और उसके बाद बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंजाइमों की नेचुरल एक्टिविटी को उत्तेजित करता है, प्लांट्स की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और डिग्रेडेड भूमि को फर्टिलिटी को बहाल करता है, सॉरी भूमि की फर्टिलिटी को बहाल करता है। किसी भी कॉन्सेंट्रेशन और किसी भी सॉइल पर पूरी तरह से हानि रहित है। हानि रहित कहने का मतलब ये हार्मलेस है और 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। तो देखिए एक बायोह्यूमस में इतने सारे फायदे हैं जो कि सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं बहुत लंबे समय तक चलने वाले ये फायदे हैं। यूटेरा सॉइल एलिक्सिर, ये यूटेरा सॉइल एलिक्सिर जो है ये लिक्विड फॉर्म में आता है और बायोह्यूमस जो है वो सॉलिड फॉर्म में आता है। थोड़ा सा ये एक बायोलॉजिकल एक्टिव प्लांट फूड है। जिस तरीके से हम पेड़ पौधों को जो ध्यान रखने के लिए उनके लिए खाने की जरूरत होती है, जैसे कि पाना सूरज सॉरी पानी, तो एक हिसाब से वो पेड़ पौधों के लिए उस तरीके का खाना होता है। तो उसी तरीके से इसके लिए भी एक प्लांट फूड कहा गया है सॉइल एलिक्सिर को, जिसमें यूमिक एसिड, फ्लूविक एसिड और यूमिक के घुलनशील लवण साथ ही साथ एग्रोनॉमिकली वैल्यूएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पूरी श्रृंखला उनकी उच्च कॉन्सेंट्रेशन के साथ होती है। यूटेरा एलिक्सिर कैसे बनाया जाता है इसको भी जानना जरूरी है और इसमें क्या क्या कच्चा माल लगता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यूटेरा सॉइल एलिक्सिर के लिए बेनिफिशियल केयरफुली सेलेक्टेड एरोबिक और एनएरोबिक तत्वों का उपयोग करके बनाया गया है, जिसके विकास के लिए ऑर्थरस न्यूट्रिशन फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। और उन फॉर्मूले में क्या क्या कच्चा माल इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जो कि कोयला कहते हैं वो तरीके का ब्राउन कोल होता है, और उसके बाद मोलसेस शहद, और उसके बाद बायोहुमस थोड़ा सा इसमें मिक्स किया जाता है। उसके बाद आखिर में यह है अतिरिक्त ऑर्गेनिक एलिमेंटस इसमें मिक्स किया जाता है। टोटल 5 चीजें इसमें मिलाया जाता है 1 लीटर सॉइल एलिक्सिर बनाने के लिए। यूटेरा एलिक्सिर प्राप्त करने के स्टेजेस क्या क्या हैं, इसको पूरा कंप्लीटली फाइनल स्टेज पे लाने के लिए किस तरीके का प्रोसेस इसमें किया जाता है उसके बारे में स्टेजेस हम जान लेते हैं। 5 स्टेजेस हैं इसमें। फीड कोल की आपूर्ति की जाती है और उसके बाद यूमिक एसिड का ये है एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद कॉम्पोजिशन का ऑप्टिमाइजेशन और एसिडिटी लेवल का करेक्शन। चौथा स्टेज जो है वो है इंसुलेशन का इंट्रोडक्शन। पांचवा स्टेज जो है सॉइल एलिक्सिर में प्रोसेसिंग। ये 5 स्टेज से गुजर के सॉइल एलिक्सिर का 1 लीटर सॉइल एलिक्सिर बनता है। यूटेरा एलिक्सिर की उत्पादकता एवं क्वालिटी लेके अपने हाथों में खड़े हैं और देखने में ये, तो इसके फायदे क्या क्या जान लेते हैं। प्लांट्स की वृद्धि और विकास को तेज करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर और बनाए रखता है, मिट्टी के पीएच को कंट्रोल और सामान्य करता है और प्लांट्स को बीमारियों और पेट्स से बचाता है। तो सोचिए कम से कम 5 से 6 इसके अलग अलग फायदे हैं एक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से। यूटेरा उत्पादों के लाभ क्या क्या हैं, उसके फायदे क्या क्या हैं, या फिर उसके किस तरीके से हमें ये फायदेमंद है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कच्चे माल के रूप में केवल इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करना। ये जो सॉइल एलिक्सिर जो बनाते हैं उसमें यूटेरा बायोमास हो या फिर सॉइल एलिक्सिर हो, उसमें बहुत ही नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा जो है यूमिक एसिड के सभी लवणों और एग्रोनॉमिकली वैल्यूएबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक पूरी श्रृंखला की उपस्थिति। और तीसरा इसमें क्या फायदा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की संतुलित सामग्री। चौथा जो है उत्पादन नॉन हजार्डस मतलब लो हजार्डस ये पदार्थ की श्रेणी में आता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स मौजूद हैं जिनकी वजह से फसल बहुत जल्दी उगती है लेकिन उसकी खुशबू मर जाती है और उसका टेस्ट मर जाता है। आपने कभी गौर किया होगा कि आप अगर मार्केट में किसी भी तरीके की सब्जी ले आओ या फिर फल फ्रूट लेकर आओ, पहले जैसा उसमें ना ही खाने का मजा है ना ही उसमें उसकी खुशबू है। तो ये
जो है थोड़ा सा इसमें है, लेकिन ये कंप्लीटली लो हजार डोज वगैरह फल फ्रूट वगैरह इसके जरिए से उगाते हो तो उसकी कुछ और करने की इसमें क्षमता है। इन फर्टिलाइजर्स का कोई एनालॉग नहीं है, क्योंकि इन्हें बनाने के लिए जो नेचुरल चीजें इस्तेमाल की गई हैं उसको यहाँ पे बताया गया आपको। केंचुओं की एक अलग प्रजाति को पाला गया था, जैसे कि मैंने कहा कि बायो ह्यूमस और बायो एयूटेरा सॉइल एलिक्सर को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा नेचुरल ऑर्गेनिक चीजों को इस्तेमाल किया गया है। हमने एक अलग प्रजाति के केंचुओं की भी जरूरत इसमें पड़ी है, गया है। ये भी थोड़ा सा साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, आपको गूगल करके चेक करना पड़ेगा या फिर 2 से 3 बार आपको ये प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। ग्रह के 5 महाद्वीपों के 105 इकोलॉजिकल क्लीन क्षेत्रों से बेलारूस को वितरित उपजाऊ और अछूती भूमि से एक सॉइल बैंक एकत्रित किया गया है। ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि प्लैनेट के अलग अलग ये महाद्वीप कहते हैं ना, जैसे कि आइलैंड्स, वहां से अलग अलग 5 अलग महाद्वीपों से 105 एग्रोनॉमिकली क्लीन क्षेत्रों से, जो एग्रोनॉमिकली बहुत ही क्लीन क्षेत्र थे, वहां पे जो अछूती भूमि थी, कहने का मतलब है वहां पे किसी भी तरह की खेती बाड़ी नहीं थी, ना ही वहां पे किसी भी तरह का कारखाना या फिर कुछ और वहां पे कुछ चीजें उगाई गई थी या फिर किसी भी तरीके का वहां पे इंसानों का रहन सहन हुआ हो। वैसी जगहों से अलग अलग जगहों से 5 अलग अलग जगह सॉरी 105 अलग अलग जगहों से ये इकोनॉमिकली सॉरी इकोलॉजिकली क्लीन, इकोनॉमिकली नहीं सॉरी मैं गलत बोल रहा था, इकोलॉजिकली क्लीन क्षेत्रों से वहां से बेलारूस को या ये उपजाऊ वहां पे लेकर ये ज्यादातर ये क्या होता है सॉइल या फिर अलग अलग महाद्वीपों की जगह ऐसे क्लीन ये मिलती है, मिट्टी वगैरह मिलती है। उसके बाद ये सर्टिफिकेशन कहाँ कहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिला गया है कि ये यूटेरा से किसी भी तरीके से निडर हो गए, तो हमें 4 अलग अलग जगहों से सर्टिफिकेशन मिला है। एक है बायोहमस TUBI और यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है, 2023 में इसको मिला था सर्टिफिकेशन। उसके बाद यूटेरा सॉइल एलिक्सिर को TUBI 100 नंबर 2022 में इसको सर्टिफाई किया गया था। यूटेरा और यूटेरा ओएसिस ये है प्लांट्स के लिए लिक्विड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के लिए TUBI 100 नंबर 2023 में इसको सर्टिफिकेशन मिला गया था। ये सर्टिफिकेशन के नंबर जो है नंबर्स हैं जो आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे गए हैं। क्वालिटी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रदान की गई, यहाँ की जो क्वालिटी इसको रिपोर्ट दी गई थी वो 3 अलग अलग जगहों से यूनिवर्सिटी से इसको सर्टिफिकेट दिया गया है। RUE ये है इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रोकेमिस्ट्री, यहाँ से सर्टिफाई इसको सर्टिफाई किया गया है। और उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी जो है उसको स्टेट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बेलारूस की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस साइंसेस का इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, यहाँ से इसको दूसरा सर्टिफिकेट भी दिया गया है, मतलब क्वालिटी रिपोर्ट का सर्टिफिकेट दिया गया है। और तीसरा जो है बेलारूसी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तीसरी जगह है जहां से इसको क्लीन रिपोर्ट क्वालिटी रिपोर्ट की सर्टिफिकेशन मिली है। ये सारी चीजें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कई बार लोग जो है इसमें अपना सहयोग और योगदान या फिर निवेश करने से पहले बहुत सारी चीजों को जानना चाहते हैं, हम अपना पैसा लगाएंगे या फिर हम अपना निवेश लगाएंगे तो हमें किस तरीके के हमें फायदा क्या है इस प्रोडक्ट में, हमें कब तक इसका रिटर्न मिलेगा, चीजें डिटेल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे चलते चलते, और भी ज्यादा डिटेल में हम आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यूटेरा उत्पादों का मांग में है, मतलब यूटेरा जो इसकी जो है सॉइल एलिक्सर और बायोएमएस ऑलरेडी डिमांड लेवल में है खेत पर, ये अपनी पर्सनल जरूरतों के लिए ये स्वस्थ और स्वादिष्ट सब्जियां फल और जामुन उगाए जा सकते हैं। ये जो है ये फर्टिलाइजर जो है ये सिर्फ आपके घर के आंगन में या फिर पॉट वगैरह में नहीं,
ये चाहते हैं स्टेट लेवल पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रीजन लेवल पर, और स्वादिष्ट सब्जियां आप उगा जा सकते हैं, फल फ्रूट भी उगाए जा सकते हैं, और नीचे तलने वाले जो पेड़ में उगने वाले जामुन होते हैं वैसे वाले जामुन आप उगा सकते हैं, उसी खुशबू और जो स्वाद रहता है वो वैसे ही बरकरार रखने की पूरी पूरी कोशिश हमारी है। और दूसरा इसमें इसके इसके फायदे क्या है या फिर कहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, निजी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकल एडिटिव्स और ये इम्प्यूरिटी के बिना प्राकृतिक उत्पाद उगाएं और बेचे भी जा सकते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है जैसे कि सब्जी वगैरह ये अपने सिर्फ निजी लेवल पे नहीं, जैसे कि सामने घर के सामने लॉन हो या पर कई बार हो सकता है छत वगैरह पे छोटा एक छोटे स्तर पे खेती बाड़ी करने वाले जो जो लोग हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें बहुत ये बायोहिमस और सॉइल हेल्थ से बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये आप बड़े स्टेट लेवल के साथ साथ रीजनल लेवल के साथ साथ आप एक अपने पर्सनल लेवल पे भी इसको उगा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। फूलों की खेती में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है घर ग्रीन हाउस और कंजर्वेटरीज में समृद्ध ये जो सॉरी सुंदर फूलों वाले ये प्लांट्स के सेलेक्शन में ये संलग्न रह सकते हैं आप। जैसे कि फूल वगैरह उगाए जा सकते हैं, ग्रीन हाउस वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अपने निजी लेवल पे आप इसको बढ़ा सकते हैं या फिर इनको उगा कर आप बेच भी सकते हैं। इतने सारे इसमें फायदे हैं और साथ ही साथ ये इतनी सारी चीजों के लिए भी इसको यूज इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके लिए डिमांड भी है। ये है मार्केटिंग, हमारी स्ट्रैटेजी क्या क्या है, जैसे कि बना तो लोगे मार्केटिंग किस तरीके से करोगे, क्या मौजूद है, ये नेचुरल फसल है, मार्केटिंग अगर करना चाहे तो पूछ सकते हैं, ये बहुत ही बिल्कुल ही नेचुरल फसल को बढ़ावा देता है। उसके बाद उत्पाद सुरक्षा देता है, मतलब गारंटी देता है एक हिसाब से कि अच्छी खुशबू देता है, अच्छा स्वादिष्ट फल फ्रूट सब्जी वगैरह उगा सकते हैं, अपनी जमीन से प्यार कर सकते हैं क्योंकि फर्टिलिटी बरकरार रहेगी बहुत लंबे समय तक, उसमें खेती बाड़ी ना कर पाना, अच्छे तरीके से सॉइल किसी भी फसल को उगाने के लायक नहीं रहती, बंजर हो जाना, ये सारी चीजें नहीं होती है, बहुत लंबे समय तक ये एक फर्टिलिटी बनी रहती है, जमीन अच्छी चीजों को उगाने लायक बनी रहती है। चौथा जो है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ये एनवायरमेंटली बहुत ही फ्रेंडलीनेस लेवल पे प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने कहा कि लो हजार्डस है, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इसमें एनवायरमेंटल को उतना ज्यादा धक्का नहीं पहुंचेगा और साथ ही साथ ये अच्छी तरीके से रहेगा, मतलब मिट्टी उतनी जल्दी खराब नहीं होगी। ब्यूटेरा ब्रांड पर जोर हम क्या दे रहे हैं, ये है अफोर्डेबल कीमत है, ये जो हमारे ब्रांड का जो बेचने का जो मकसद है वो बहुत ही अफोर्डेबल कीमत है, बाकी अन्य फर्टिलाइजर मार्केट में अगर कंपेयर कंपेयर करोगे तो 1 लीटर के लिए बहुत ही ज्यादा कम कीमत हम लोग रख रहे हैं। दूसरा जो है उत्पादों के इफेक्टिवनेस, उत्पाद जो है बहुत ही आराम से अगर जल्दी भी उगते हैं तो बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट और खुशबूदार महकेंगे, और यूनिक कॉम्पोजिशन, 5 अलग अलग कच्चे मालों को इसमें इस्तेमाल किया गया है, अलग प्रजाति की केंचुओं को बड़ा पाल कोस कर इसको फर्टिलाइजर को बनाया गया है, और उसके बाद साथ ही साथ शहद इस्तेमाल किया है, क्लेमेटस वगैरह इस्तेमाल किया है और एक्सेट्रा बहुत सारी चीजों को इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी जो है अश्योरेंस दे रहा है, अगर हम कम कीमत में दे रहे हैं, यूनिक कॉम्पोजिशन दे रहे हैं, साथ ही साथ उत्पादों के इफेक्टिवनेस को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी में हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्वालिटी एकदम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की क्वालिटी दे रहे हैं, क्वालिटी की अश्योरेंस भी हम लोग दे रहे हैं कि स्वादिष्ट और खुशबूदार होंगे, और उसके बाद प्रभावी और ये उपयोग और फसल उत्पादन के लिए सिफारिश कर सकते हैं, जैसे कि रेफरल लिंक्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे आपने एक बार इन सारी चीजों पहले 4 चीजों जैसे कि मैंने बताया कि अफोर्डेबल कीमत है, यूनिक कॉम्पोजिशन है, क्वालिटी एश्योरेंस है, उत्पाद इफेक्टिवनेस, ये सारी चीजें जब आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे पहुंच जाएगा तो आप ये दूसरे लोगों को भी रेफर कर सकते हैं, उसके लिए जैसे कि एक हिसाब से आप एफिलिएट भी कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। यूटेरा एलिक्सिर और नेचुरल बायोहिमर्स के उपयोग से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यहाँ पे आपको आप लोगों को तस्वीरों के जरिए से दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ सब्जी वगैरह दिखा रही हूँ कितने नेचुरल और कितनी अच्छे तरीके से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं टमाटर वगैरह हाथ में लिए खड़े हैं, और एक और तस्वीर हम देख सकते हैं कितनी ज्यादा नेचुरल तरीके से हरियाली वगैरह बनी है यहाँ। उत्पादकता बढ़ाने में ये सारी चीजें इस्तेमाल की जा सकती है, एलिक्सिर और बायोमास उगाने में मदद मिलती है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे फायदे हैं ये यूटेरा बायोह्यूमस और सॉइल एलिक्सिर को यूज करने में, आपके उत्पाद
ये काफी स्वादिष्ट हो जाएंगे, आपके प्लांट्स अधिक सुगंधित हो जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी कई वर्षों तक बनी रहेगी। यही मैं आपको लोगों को चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लंबे समय तक आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखता है, फल फ्रूट सब्जी की खुशबू जो है बनाए रखता है, और साथ ही साथ स्वादिष्ट बनने में भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हो। प्यूटर मिडल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है ऑलरेडी, तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। बायोह्यूमस और यूटेरा सॉइल एलिक्सिर का उत्पादन करने के लिए यूटेरा मिडल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज बनाई गई है। इनफैक्ट ये बन चुकी है, यहाँ पे काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैं आपको आगे उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल एक बायो फ्रीजर सॉरी बायो स्फीयर ओके फिलहाल एक बायो स्फीयर ग्रीन हाउस कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, सस्टेनेबल बायोस्फीयर क्लस्टर जिसमें शामिल है मुख्य भवन, प्लांट, ग्रीन हाउस क्लस्टर, लेबोरेटरी और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यहाँ पे इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वहां पे जब लोग जाएंगे, हो सकता है बड़े इन्वेस्टमेंट, जब बड़े इन्वेस्टर्स वगैरह लोग वहां पे जाएंगे तो वहां पे एक टच एंड फील होना चाहिए कि ये एक्चुअली पढ़ने के बाद किस तरीके से दिखेगा, किस तरीके की खुशबू दिखेगी, क्या कितना टेस्ट होगा फल फ्रूट सब्जी वगैरह। तो इसीलिए वहां पे ग्रीन हाउस वगैरह बनाया जा रहा है, एक मुख्य भवन प्लांट का एक चीज बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ एक लैबोरेटरी भी वहां पे बनाई जा रही है, और उसके बाद ये जो है संबंधित उसके रिलेटेड बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाए जा रहे हैं। यह निर्माण रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन में बना, संयुक्त अरब अमीरात में नामित है, वहां पे बनाया जा रहा है। राकेश सबसे बड़े इकोनॉमिक जोन में से एक है। ये जो रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन जो है ये यूएई में आता है, और यहाँ पे 770 प्लस लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां मौजूद हैं, 100 से भी ज्यादा देश इसमें इन्वॉल्व है, 50 से भी ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे है मौजूद है। तो सोचिए देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज में अगर हमारी भी एक इंडस्ट्री आ रही है और साथ ही साथ इतना अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे आ रहा है तो इसकी कितनी ज्यादा मान्यता होगी, मांग होगी, और इसमें सहयोग और योगदान देने से आपको कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, साथ ही साथ आपके आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य सुधर सकता है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। यूटेरा उत्पादन स्थान के लाभ क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। ये है प्रोजेक्ट को अप्लाई करते समय लागत प्रभावी सोल्यूशन का उपयोग करने का अवसर, आपके लिए एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कहने का मतलब यह है, और उसके बाद कंफर्टेबल टैक्सेशन है, और टैक्सेशन भी जो है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लेवल पे होगी इस पर, और जिसका मतलब है आपके लिए भी अच्छा खासा एक मुनाफा मिल सकता है, कंपनी भी एक अच्छे खासे मुनाफे में चलेगी। प्रमुख लॉजिस्टिक हब से निकटता, ये जो है कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, रिसर्च करने में या फिर उसको मैन्युफैक्चर करने में बहुत आसान तो नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन जब इसके जो लॉजिस्टिक्स के जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वरना हम मैन्युफैक्चर तो कर लेंगे जब, लेकिन जब डिमांड बढ़ेगी तो अगर हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में हमारा नाम भी खराब हो जाएगा और प्रोडक्ट वैसे ही उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, जिसकी वजह से हमारा डिविडेंस पे भी फर्क पड़ेगा। तो सोच के देखिए हमने बहुत सारी चीजों को डीप एनालाइज करके, मार्केट को रिसर्च करके ही ये प्रोडक्ट को इस जगह पे रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन में रखा है, साथ ही साथ अफोर्डेबल कीमत रखी है, और बहुत सारे बेनिफिट्स भी इसमें इस प्रोडक्ट में हम लोगों ने रखे हैं। ये निर्माण के तीन अलग अलग स्टेजेस हैं, इसको तीन अलग अलग स्टेजेस में बनाया जाएगा। ये है प्रिपरेटरी कार्य करना, जो कि इनिशियल जो हमें वर्क करना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है वहां पे कारखाना बनाने के लिए। फेंसिंग लगाना भी ऑलमोस्ट एक काम थोड़ा सा बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑक्सिलरी बिल्डिंग्स और एक लेबोरेटरी का निर्माण करना। उसके बाद दूसरे स्टेज में क्या होगा, पहले स्टेज में तो ये सारी चीजें होंगी और दूसरे स्टेज में ये होगी एक्सेस सड़कों का संगठन, जैसे कि मैंने बताया कि सप्लाई, जैसे डिमांड आएगी तो उसे सप्लाई करने के लिए रास्तों का अच्छा बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। कर्मचारियों के लिए डॉर्मेटरी का निर्माण करना, जहां वहां पे लोग काम करते हैं उनके लिए डॉर्मेटरी बनाना, खाने पीने का इंतजाम करना, रहने सहने का इंतजाम करना, उन चीजों का ये होगा सेकेंड स्टेज में। मुख्य बिल्डिंग का डिजाइन और निर्माण, उसके बाद मेन बिल्डिंग बनेगी, उसका डिजाइन ऑलरेडी किस तरीके से होना है वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तीसरे स्टेज में क्या होगा, एक इंडोर ग्रीन हाउस का डिजाइन और निर्माण। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रीन हाउस इसलिए बनाया जाता है कि ताकि वहां पे लोग जब विजिट करें, डेलीगेट्स वगैरह आए तो टच एंड फील करने का मौका मिले, और साथ ही साथ उसको एक अच्छे तरीके से
क्या कहते हैं, लोगों तक उसका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़े, इस वजह से उसको बनाया जा रहा। उत्पादों की इफेक्टिवनेस प्रदर्शित करने के लिए एक खुली हवा वाले क्षेत्र का आवंटन, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है ग्रीन हाउस जो बनेगा वो सिर्फ एक छोटे से कमरे में नहीं बनेगा, बहुत बड़ी जगह है, एक ओपन एरिया में बनेगा, ताकि लोग वहां पे आराम से घूम फिर के उसका लुत्फ ले सके, आनंद उठा सके, टच एंड फील का भी मौका उन्हें मिले। ये प्रोजेक्ट के मूल सिद्धांत हमारे क्या क्या है, हर स्टेज में नेचुरल नेचुरल इंग्रेडिएंट का उपयोग करना, जो हमारे मेन वैल्यूज हैं वो है, हर सॉरी दूसरा जो है नेचुरल ऑर्गेनिक फूड उत्पादों का उत्पादन, सभी प्रकार के कच्चे माल और कंपोनेंट्स का वेस्ट फ्री यूज उपयोग, मतलब कम से कम हम लोग वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ वेस्ट निकलता भी है तो उसको कुछ अलग चीजों में रीयूज करने का भी हम लोग कोशिश करते हैं। ये कहने का मतलब, अर्जित अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर यह प्रैक्टिकल अप्रोच का अनुप्रयोग, ये जो है प्रैक्टिकलिटी में हम बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हैं राधर थियोरी, इसी वजह से ये बहुत सारा डिटेल, इन डेप्थ डिटेल आप लोगों के सामने हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। यूटेरा प्रोजेक्ट के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन क्या हमें चाहिए, आप लोगों को जो मेन इंफॉर्मेशन क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप लोगों से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों से हम क्या सहयोग या फिर योगदान की उम्मीद कर रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। 20 मिलियन डॉलर हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं, धन जुटाने की जरूरत है, 20 मिलियन डॉलर, 3 राउंड इसमें फाइनेंसिंग होंगे, अभी जो है सेकेंड राउंड चल रहा है, 2025 में निर्माण पूर्ण होने की तिथि है, तिथि वो वाली तिथि नहीं जो आप सोच रहे हो, ये वो वाली तिथि है कि फाइनल करने का मतलब कंक्लूड करने का इरादा है 2025 में, 3 से 5 वर्षों में निवेश की ये है पे बैक पीरियड है, जो आप इन्वेस्ट इसमें करोगे, जो आप इसमें निवेश करोगे वो 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपको रिटर्न देने का पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और 17.5% से लेकर 46%, 8% तक आपको इसमें निवेशकों के लिए ये पोटेंशियल वार्षिक रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई भी कंपनी आपको इतना हाई नहीं देती, जहां पे हम लोग इतना आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, 17.5% से लेकर 46.5 सॉरी 46 नहीं 46.8% तक हम आपको रिटर्न देने की कोशिश करेंगे। 2024 और 25 में क्या होगा, ये हमें निवेशकों का मुनाफा देने की शुरुआत, 2024 या फिर 25 के इन दोनों सालों के दरमियान में हम आप लोगों को रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की शुरुआत करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। निवेश का अवसर, आप यूटेरा उत्पादों के उत्पादन में निवेश कर सकते हैं और कंपनी के नेट प्रॉफिट का 55% तक का मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, निवेशक के दूसरे राउंड की ये जो है शर्तों के अनुसार, ये जो है सेकेंड राउंड के कंडीशन के तौर पर ही आप अपना रिटर्न हासिल कर सकते हैं, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है। चलिए अभी दूसरा राउंड चल रहा था, मैं आपको दूसरे राउंड में ही समझा देता हूँ, अगर आपने $1 लाख इसमें इन्वेस्ट किए, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 80 लाख मान के चलिए, अगर 100 रुपए के हिसाब से भी अगर मान लेंगे तो 1 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपको 55% मिलेगा इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप पे डिपेंड करता है, ये है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन निवेशकों का जो परसेंटेज है, उसके बाद है कंपनी का परसेंटेज, SWC यूज कवरी का क्या परसेंटेज होगा, उसके बाद निवेशक का ये जो है एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या होगा वो है, और उसके बाद निवेशक का ये जो है एक्सपेक्टेड वार्षिक रिटर्न परसेंटेज भी यहाँ पे दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल इसके मैंने बताया कि अगर हम 1 करोड़ यहाँ पे तो हमें 55% तक का मुनाफा मिलने के चांसेस हैं, और उसमें ये 100% का 50% जो है वो आपको रिटर्न मिलने का, और यूज कवर ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट है, साइबर कम्युनिटी तो आप लोग जानते ही हैं, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, इन दोनों को 45% जाएगा, और उसके बाद अगर मैं डॉलर की वैल्यू में आपको रिटर्न में बात करूँ तो आपको $42,900 आपको प्रॉफिट मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं पूरे साल में, सब ये जो है यहाँ पे निवेशक का एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट $42,900 तक का आपका पूरा मुनाफा मिलने का चांसेस है, 1 करोड़ अगर आपने इन्वेस्ट किया तो, और या फिर परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो 42.9% तक आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। निवेशक की शर्तें क्या क्या होंगी इसमें, निवेश 5 साल के लिए वन टाइम पेमेंट या फिर 10 महीने के अधिक इंस्टॉलमेंट में जो है वो आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर
इंस्टॉलमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का पैकेज लिया है, कितने लॉट्स लिए हैं, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करते हैं। निधियों के उपयोग के लिए 0.1% प्रति वर्ष की फिक्स्ड रेट, ये जो है यहाँ पे जो है एक तरीके से आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जा रहा है। 0.1% जो है आपको एक सर्टन जो है फिक्स्ड आपको रेट दिया जाएगा। देखिए इसमें इस प्रोजेक्ट में ना कई सारे मुस्लिम्स और मुस्लिम कंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। मैं बीइंग ए मुस्लिम आपको एक अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है या फिर कई सारे क्या आज तक तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें इंटरेस्ट रेट मौजूद ना हो। बीइंग ए मुस्लिम या फिर आप मुस्लिम होने की वजह से कई बार क्या होता है, हम बैंक में भी पैसा रखते हैं तो वहां से जो हमें इंटरेस्ट रेट आता है वो हम लोग उठा के गरीबों में दे देते हैं, सदका कर देते हैं। उसका ना आपको सवाब मिलेगा ना ही आपको गुनाह मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आप गरीबों में बांट सकते हैं, ना आपको उसका सवाब मिलेगा ना आपको उसको गुना मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग इंटरेस्ट खाने में दिलचस्पी रखते हैं, मैं उनके लिए कुछ अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता, वो उनकी मर्जी है। बट बीइंग ए मुस्लिम आप ये चीज कर सकते हैं क्योंकि हम कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बचा है जो इंटरेस्ट फ्री हो, इसी वजह से यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात हो रही है। और 5 वर्षों के बाद निवेशक प्रोजेक्ट छोड़ सकता है और धन के उपयोग पर अपना निवेश और ब्याज वापस ले सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि इंटरेस्ट आप चाहो तो 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हो, इंटरेस्ट ले सकते हो और इस प्रोजेक्ट से आप एग्जिट कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट से आप एग्जिट क्यों करेंगे, मुनाफा लीजिए। आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें जो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसके हिसाब से जो प्रॉमिस किया है आपको 55% तक का मुनाफा आएगा, मुनाफा खाइए, सालों साल तक चलता रहेगा। जहाँ पे इंटरेस्ट की बात आ रही है, जो आप जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो आपको मैसेज या फिर नोटिफिकेशन तो आ जाता है, वो इंटरेस्ट उठा के गरीब में बांट दीजिए और क्या कर सकते हैं। निवेशक के पास जीवन भर ये प्रॉफिट के पेटेंट का अधिकार है, साथ ही निवेशक राशि के उपयोग के लिए ब्याज भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से बहुत ये सारा इंटरेस्ट की बात हो रही है इस वाले पर्टिकुलर स्लाइड में। आपके साथ ये पेटेंट जब तक आप रहेगा आप उसके उत्तराधिकारी बने रहेंगे, आपके सारे राइट्स आपके पास रहेंगे और उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो कि आप जैसे कि मैंने कहा कि आप वो चीज कर सकते हैं। निवेशक को किए गए निवेश की राशि के अनुपात में चुने गए टैरिफ के अनुसार प्रॉफिट प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कितने लॉट्स आप लेते हैं या फिर किस तरीके का पेमेंट आपने किया होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न दिया जाएगा। जब तक निवेशक ये प्रोजेक्ट छोड़कर अपना निवेश वापस नहीं ले लेता, तब तक उसके सभी अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के पास चले जाते हैं। जब तक आप प्रोजेक्ट में जुड़े रहोगे आपके जितने भी राइट्स वगैरह हैं वो हमारे हायर अथॉरिटी के पास रहेंगे। जैसे प्रोजेक्ट से बाहर आ जाओगे आपके सारे राइट्स आपको वापस दे दिए जाएंगे। निवेश की शर्तें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो कंडीशन है वो क्या क्या है। प्रत्येक निवेशक के साथ ये विस्तृत निवेश शर्तों वाला एक एग्रीमेंट का कंक्लूजन किया जाता है। ये जो है एक एग्रीमेंट इसमें भी किया जाता है, हालांकि यूएसए में भी किया गया था। ये अग्रीमेंट आपके पास रखना जरूरी है क्योंकि कल के दिन अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी जो नेक्स्ट जो प्रोजेनी होगी वो अगर इस पे राइट्स लेना चाहेगी तो इसका अग्रीमेंट उनको प्रूफ साबित करना पड़ेगा कि इस कंपनी में मेरे फादर ने या फिर मेरे फोर फादर ने जो भी ने निवेश किया था तो आप मुझे उसके राइट्स चाहिए वगैरह वगैरह। और साथ ही साथ ये डिविडेंड हासिल करने के लिए आपको ये अग्रीमेंट आपके पास जरूरी है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड करके हार्ड कॉपी बना के कहीं पे फाइलिंग करके भी अपने पास रख सकते हैं। बैंक ट्रांजैक्शन के सुविधाजनक तरीके से निवेश किया जा सकता है। ये बैंक के जरिए से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर एसओडीसी के जरिए से भी आप वहां पे पेमेंट्स कर सकते हैं। क्रिप्टो से कर सकते हैं, मास्टर वीजा इस वाले कार्ड से भी कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन वहां पे होगा बैंक वगैरह वगैरह उसके जरिए से भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। बाजार क्या ऑफर करता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि मार्केट क्या ऑफर करता है, किन किन अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग चीजों के ऊपर। प्यास लग रही है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बैंक में डिपॉजिट रखने की वजह से आपको हर साल 8 से 9% आपको इंटरेस्ट रेट या फिर ब्याज दिया जाता है। जैसे कि देखिए मैंने बताया कि ये कोई भी ऐसी इंडस्ट्री बची नहीं है जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री आपको प्रॉफिट मिलता हो किसी भी चीज का। तो आप थोड़ा ध्यान से सारी चीजें देखकर कीजिएगा। और उसके बाद ये जो है पोर्शन, ये पोर्शन जो है स्काईबर्ड कम्युनिटी में है। स्काईबर्ड कम्युनिटी में क्या है, 10 से 12% आपको प्रॉफिट दिया जाएगा। यहाँ पे ये वाली जो है यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो है जितने ज्यादा पोर्शन अपने पास रहेंगे उसके हिसाब से आपको 10 से 12% आपको हर साल उसमें मुनाफा दिया जाएगा। क्योंकि उसमें यूएसटी के जो कंपनी, सॉरी,
जो फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के बारे में, जिसके बारे में मैं प्रमोट कर रहा हूँ या फिर कंपनी प्रमोट कर रही है, वहां पे जो है वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जितना मुनाफा आएगा उसके हिसाब से कंपनी ने 20% देने का वादा किया है, और 100 100 ईयर्स की गारंटी भी वहां पर है। तो उसी के हिसाब से आपको 10 या 12% इसमें पोर्शन के ऊपर दिया जाएगा। ये जो है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स ये जो है बैंकिंग रिलेटेड है मेरे ख्याल से। मैं तो बैंकिंग रिलेटेड से नहीं हूँ, मैं तो रिटेल से बिलोंग करता था। तो बॉन्ड्स पे भी आपको 6 से 8% हर वार्षिक उसमें रिटर्न दिया जाएगा। मुद्रा ये जो है करेंसी के ऊपर 0.2 से लेकर 0.4% आपको प्रॉफिट या फिर इंटरेस्ट रेट मिलता है। गोल्ड के ऊपर आज से 10% आपको ये प्रॉफिट मिलता है या फिर ब्याज मिलता है रखने के शायद, ये भी फिर से सारा बैंकिंग रिलेटेड है। सिल्वर के ऊपर 15 से लेकर 17% आपको हर साल मिलता है प्रॉफिट, और रियल एस्टेट में तो आपको 15 से 20% आपको हर साल ये प्रॉफिट मिलता है। ये तो देखिए खाली प्लॉट लेने पर, घर बना के छोड़ने पर आपको जिस तरीके से आप इस्तेमाल करोगे उस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ती रहती है। और उसके बाद सब लीज, सब लीज ये जो है नॉर्मली क्या करते हैं, दो अलग अलग लोग या फिर वेंचर मिलकर काम करने पे मिलता है, जिसमें 18 से 20%, ये शायद रियल एस्टेट या फिर बैंकिंग में आता मुझे नहीं पता खास, सब लीज 18 से 20% उसमें मुनाफा मिलता है। और ये जो है क्राउड लेंडिंग 15 से 20% आपको हर साल इसमें मुनाफा। क्राउड लेंडिंग ये वही है जो हम लोग कर रहे हैं, क्राउड फंडिंग, जैसे कि स्काइबल कम्युनिटी करता है, क्राउड से फंड उठाता है जो भी नए ग्रीन स्टार्टअप जो कंपनियां आते हैं, सॉरी ग्रीन टेक रिलेटेड की जो स्टार्टअप कंपनी करते हैं टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्ट को हम बढ़ावा देने के लिए क्राउड से फंड उठा के उसके बदले में मुनाफा हम लोग लोगों तक तो पहुंचाते हैं। यूटेरा क्या ऑफर करता है उसके बारे में जान लेते हैं। 17.9% प्रति वर्ष आपको मुनाफा देता है निवेशक, ये जो है फोरकास्ट इतना परसेंटेज देने का वादा किया है। और उसके बाद है आप वास्तविक उत्पादों में निवेश करते हैं, ये कहने का मतलब है कि ये जो है एक रियल टैंजिबल एसेट में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। टैंजिबल वो चीज होती है कि आप चीज को छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको टैंजिबल प्रोडक्ट कहते हैं। तो वैसे प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हो जिसका फायदा आपको बहुत ज्यादा पहुंचने वाला है। एक जो है एक कॉम्पिटेटिव और हाई क्वालिटी वाले उत्पादक के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ अध्ययन किया गया बिक्री बाजार, जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने मार्केट को बहुत ज्यादा डीप एनालाइज किया है तभी आप लोगों के सामने इतनी सारी डिटेल्स हम लोग रख रहे हैं। और ये दीर्घकालिक ये है स्केलिंग पोटेंशियल, ये जो है बहुत लंबे समय तक चलने वाला प्रोडक्ट है फर्टिलाइजर, क्योंकि खेती बाड़ी में तो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होते ही होते हैं किसी भी हाल में, और ये बहुत इतनी जल्दी डूबने वाला मार्केट बिल्कुल भी नहीं। ये जो है आप ये जो है पैसिव इनकम अर्जित करने के लिए एक टूल खरीद रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पैसिव इनकम का भी एक जरिया है, जिसके जरिए से एक टूल है जो आप खरीद रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक इसका मुनाफा देगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। पेटेंट की आवृत्ति प्रति तिमाह एक बार, 3 महीने में एक जो है एक बार आपको डिविडेंड देने का हम लोग ने सोचा है। प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज फिक्स है और घटता नहीं है, ये देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कंपनीज में क्या होता है प्रॉफिट अगर घट जाता है तो डिविडेंड्स भी घट जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बार आप लोगों का डिविडेंड जो फिक्स कर दिया है तो वो फिक्स ही रहेगा जब तक ये कंपनी चलेगी, उसी उसी तरीके से आपका प्रॉफिट जो है फिक्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिक्स है, घटता नहीं है। अगर कंपनी में प्रॉफिट कम होता भी है तब भी हम पूरी तरीके से आपको जो वादा किया है उसी के तरीके से हम आप लोगों को मुनाफा कोशिश करेंगे। यूटेरा मिडिल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट का एग्रीमेंट फिक्स्ड है, जैसे कि मैंने बताया अपरिवर्तित रहता है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे, फिक्स रहेगा, और प्रॉफिट प्राप्ति की पूरी अवधि के दौरान घटता नहीं है। ये सारी चीजें देखिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप 1 से 2 बार देखिए इस प्रेजेंटेशन को तब तो आपको समझ में आ जाएगा। हम लागत कम करके प्रॉफिट बढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंडिचर्स है उसको कम करके हम जो है प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक्सपेंसेस कम करके प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उत्पादन में ऑप्टिमाइजेशन करने से हम अपने निवेशकों अधिक रिटर्न दिला सकेंगे। यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट या सॉइल एलिक्सिर की कीमत बिक्री मूल्य बढ़ जाती है तो आपका पर्सनल मौद्रिक लाभ बढ़ सकता है।
एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ 1 लीटर सॉइल यूटर 1 लीटर यूटरा सॉइल एलिक्सी की कीमत अगर मार्केट में बढ़ती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती है, तो उसके साथ साथ आप कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपका डिविडेंड भी बढ़ेगा। ये देखिए अधिकतम लॉन्ग टर्म निवेश, ये जो है ये शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। कई लोग सोचते हैं कि मैं सुबह 100 रुपए डाल दूं मुझे शाम में 1,000 रुपए मिल जाए तो खुश रहते हैं। होते हैं कुछ ऐसे प्रॉफिट कमाने वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैं 100 रुपए डाल दूं तो मुझे 10 साल के बाद कितना प्रॉफिट आएगा, तो वैसे कैलकुलेट करने वाले भी मौजूद हैं दुनिया में। तो उत्पादन में सेवा जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और साथ ही साथ ये जो है प्लांट इक्विपमेंट अपग्रेड प्रदान करता है। ये जो प्लांट जो है इक्विपमेंट्स बहुत ही जल्दी खत्म नहीं जाएंगे, आउटडेटेड नहीं हो जाएंगे, बहुत ही लॉन्ग टर्म तक इसको अपग्रेड कर सकते हैं। छोटे मोटे चेंजेस करके बार बार इसको अपग्रेड किया जा सकता है, वैसे इक्विपमेंट्स इसमें लगा रहे हैं। और ये जो है एग्रीमेंट को बढ़ाने की संभावना के साथ भूमि 50 वर्षों के लिए पट्टे पर दी गई है। ये जो अभी हम लोगों ने कारखाना बनाने के लिए जो जमीन हम लोगों ने खरीदी है वो 50 सालों के लिए अग्रीमेंट के लिए ली गई है। हो सकता है 50 साल पूरे होने के बाद उसको और भी आगे अग्रीमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है। सोचिए देखिए 50 साल, हम ऑलरेडी 40-50 साल की उम्र में हैं, तो हमारे 5-10 साल के बाद हो सकता है हम दुनिया से चला जाए, या फिर हो सकता है किसी को पता कल ही निकल जाए। खैर ये तो ऊपर वाला ही जाता है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा फायदा हम छोड़कर जा रहे हैं इसके बारे में सोच के देखिए, तो आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट निर्माण के चरण 15 के अंत से पहले यूटेरा परियोजना क्यों लॉन्च की गई है, ये थोड़ा डिटेल थोड़ा लंबा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यूटेरा प्रोजेक्ट फंडिंग, ये ट्रैकिंग फंक्शन आपके व्यक्तिगत खाते में उपलब्ध है, ये भी थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल है, बताने में ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग देखोगे भी नहीं प्रेजेंटेशन, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है HBC 23 बायोस्फीयर ग्लास हाउस कॉम्प्लेक्स के लिए बाड़ लगाने की संरचना 3 सप्ताह में रास अल खैमा में आ जाएगी। ये जो है यहाँ पे बाड़ लगाने की जो फेंसिंग की बात हो रही थी इससे पहले वाले स्लाइड्स में उसके बारे में बताया जा रहा है, ये जो है 3 सप्ताह में मतलब 3 वीक्स के अंदर ये फेंसिंग भी लग जाएगी रास अल खैमा इकोनॉमिक जोन जिसके बारे में बता रहा था। और वो भी ये सारा डिटेल आप आराम से अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा इसी वजह से। और प्रीमियर सदस्यों के लिए विशेष यूटेरा फंडिंग राउंड उपलब्ध है, जो भी यहाँ पे प्रीमियर क्लब के मेंबर्स हैं उनके लिए अलग फंडिंग राउंड का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। वो जो भी अपने यहाँ पे प्रीमियर क्लब के जो मेंबर्स हैं उनको समझ में आएगा कि यहाँ पे उसके क्या-क्या फायदे हैं, और थोड़ा डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हैं। और उसके साथ एक साथ दो परियो यूटेरा और यूएसटी, जैसे कि मैंने बताया कि यूएस और 3 स्टेजेस हैं सब स्टेजेस, उसके साथ साथ बैक टू बैक हम लोगों ने यूटेरा प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट कर दिया उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल इन डेप्थ डिटेल यहाँ पे दिया गया है। और ये जो है यूटेरा परियोजना के इतिहास और लाभों के बारे में फिल्म यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है इसके बारे में, 30-31 मिनट का एक वीडियो बनी है कि यूटेरा को इस्तेमाल करने इसके फायदे क्या क्या है और किस तरीके से प्रोजेक्ट बना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा सा डिटेल आप आराम से पढ़ लीजिए। और लिंक चाहिए तो लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप क्लिक करके इस जगह पे जा सकते हैं, या फिर अगर आप SWC स्काईवर्ड कम्युनिटी का ऑलरेडी मेंबर हैं तो वहां पे आप बैक ऑफिस में जाके पढ़ के वहां पे लिंक क्लिक करके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और यह है संयुक्त राष्ट्र विश्व की 40% भूमि समाप्त हो गई है। ये देखिए 40% जो भूमि है संयुक्त राष्ट्र अरब अमीरात जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की वो खत्म हो गई, क्योंकि धीरे धीरे से वो ग्रीनरी में बदल रही है इसी वजह से। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्या आप लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन पसंद आया, समझ में आया, या फिर और भी ज्यादा ऐसे प्रेजेंटेशन आपको चाहिए, हफ्ते में कितने चाहिए, महीने में कितने चाहिए, या फिर आप किसी भी तरीके का जब करना चाहते हैं तो सारी चीजें इस फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हैं। 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, या फिर मैक्सिमम 5 से 10 सवाल। मेरा प्रेजेंटेशन देने का तरीका पसंद आया तो आप वो भी इसमें फीडबैक डाल सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, बस यही सारी चीजें हैं। और ये QR कोड स्कैन है, QR कोड स्कैन को आप चाहो तो स्कैन करके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं,
और आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट यहाँ पे प्रदान किया जाएगा, मतलब दिया जाएगा, लेकिन ये एक ही बार आपको मिलेगा। अगर आप चाहे 10 बार भी फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक ही बार इसमें इसका गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए स्कैन करें जो आपको विशेष एक्सेस प्रदान करता है। एक स्पेशल जगह पे भी आपको एक्सेस करने का मौका मिलेगा, इसी वजह से क्यूआर कोड को दिया गया। और कुछ और भी ज्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को आप 8 सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, या फिर आप मेल वगैरह भेज सकते हैं info@duterra-swbc.com को। आप मेल वगैरह भी लिख के आप ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए से भी आप हम तक कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ये वीके ओके है, ओके नाम का एक ऐप है, उसके जरिए से भी आप हमसे सवाल जवाब करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर सारा अपडेट आपको इस सोशल मीडिया से मिल जाएगा। और ये है मेरी अपलाइन मैनेजर इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ स्काईवर्ड कम्युनिटी में 2017 से जुड़ी हैं, टॉप एक्सपर्ट की पोजीशन पे भी हैं मिस कैट जेकब्स, और मैं एक टॉप 5th स्पीकर के साथ साथ लीडर की हैसियत से स्काईवर्ड कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ, और अपने प्यारे से मुल्क भारत, इंडिया और हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता आ रहा हूँ। 3 साल हो गए मुझे, और स्काईवर्ड कम्युनिटी का हमारा एक छोटा सा स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। कहने का मतलब है कि हम फ्यूचर को बनाते हैं और उसे आर्थिक सुरक्षा भी देते हैं, भविष्य बनाते हैं और आर्थिक सुरक्षा भी देते हैं। लेकिन खैर, भविष्य तो ऊपर वाला बनाता है, हम तो सिर्फ एक जरिया है, हम तो एक माध्यम है, एक मीडियम है बस। इन्वेस्ट इन हाई डिमांड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी विद ए हाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, आप ये पढ़ते समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शब है शुभ रात्रि। india@skyway.capital पे भी आप लिख के ईमेल करके डिटेल हासिल कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप भेज के डिटेल हासिल कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहां पे बहुत ज्यादा ज्यादा आपको अपडेट दिया जाता है हर बार। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।